कर रहा हूँ राम की। हमारी पेमेंट हमारी पेमेंट। मेरा नाम है अल्ताफ हुसैन। हम पिछले 6 साल से यहाँ राम की इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में काम कर रहे हैं, जो ये श्रीनगर बानिहार रोड है। तो पिछले 1 साल से हमारी कोई पेमेंट नहीं हुई है। तो जब हम यहाँ आए तो हमने उनको अपनी पेमेंट के लिए बोला है और उन्होंने यहाँ से सारे भाग गए, चाहे यहाँ का मुलाजिम हो, अकाउंटेंसी हो या कुछ भी हो, सारे हैदराबाद चले गए। तो हम उनको फ़ोन करते हैं तो मगर हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है वहाँ से। प्रोजेक्ट 1100 करोड़ है तो उन्होंने बैंक से 1200 करोड़ लिए हैं। हमने काम किया था इस रोड के लिए। अगर ये प्रोजेक्ट इनको 4 साल में कंप्लीट करना था 2014 में। यहाँ से देखो फ्लाईओवर 288 में इनकम्प्लीट है और वो सेक्शन 2 में जाएंगे उधर वो काजीगुंड के अंदर बानिहाल, तो वहाँ भी इनकम्प्लीट है। हमें लगता है आराम के बजे लोगों को इससे तकलीफ ही हुई है, क्योंकि अभी रोड प्रोजेक्ट नहीं हुआ और हम यहाँ रोज दफ्तर में चक्कर लगाते हैं। तो फिर हम मजबूर हो गए थे, हमने यहाँ ताला लगा दिया है तो ये सब आ गए हैं। तकरीबन समझो सर 20-30 से 40 करोड़ तक पेमेंट है हमारी। और हम यही रिक्वेस्ट फिर एक बार करते हैं गवर्नर साहब से, हमारी तरफ देखा जाए और उनको प्रेशर किया जाए जिससे हमारी पेमेंट जल्द से जल्द वागुजार हो सके। मेरा नाम अनिल कौल है, मैं इस कंपनी में एज प्रोजेक्ट हेड काम कर रहा हूँ फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। एक्चुअली सर ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिले हो गया है सिंस अगस्त 2019 से। हमारा काम बड़े स्मूथली चल रहा था टिल अगस्त। क्या हुआ, अगस्त के बाद हमारे जो वर्कर्स था, स्टाफ था, तो वो थोड़ा सा अंडर्स की वजह से वो निकल गए। हमारी जो जो वर्कर जिन्होंने काम किया था हमारे कंट्रैक्टर्स ने, उनकी लाइबिलिटीज़ है कुछ। तो अब ये वर्क जो कंट्रैक्टर्स बार बार हमारे को मतलब पेमेंट्स के बारे में मतलब आ रहे हैं, उनका भी जेन्युइन है। चूँकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ये बैंक से रिलेटेड होता है, बैंक इसमें फंड करता है। तो हमने जो वर्क डन किया है, वर्क डन करने के बाद हम बैंक को जो मतलब अपनी लिस्ट दे देते, वेंडर्स का लिस्ट दे देते, वो हमको आज तक क्लियर नहीं हो पा रहा है फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ्स। जिस वजह से हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स है यहाँ के सब कॉन्ट्रैक्टर्स, वो सफ़र कर रहे हैं और हमारा प्रोजेक्ट भी डिले हो रहा है। जो हमारा अभी नॉन वर्किंग सीजन चल रहा था, ये दिसंबर से लेकर मार्च तक हमारे को ये मतलब नॉन वर्किंग माना जाता है, जिस वजह से हमको बैंक ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है। हमारे को आशा है कि जो हमारा जो मार्च महीने से जो हमारा वर्किंग सीजन चालू हो जाएगा, इन द मंथ ऑफ मार्च, हमारा होप है कि हमारे को बैंक सपोर्ट करे।